कैनेडा की आरसीएमपी की टीम ने कैनेडा विच पंजाब दे मशहूर गायक अमृतपाल सिंह ढिल्लो उर्फ एपी ढिल्लो दे घर ते गोलीबारी करने वाले एक शक्की नूं गिरफ्तार किया है। दूजे की पछाण कर ली गई है। इस घटना नूं इस साल 2 सितंबर नूं अंजाम दिता गया सी। एपी ढिल्लो दे ब्रिटिश कोलंबिया च स्थित घर ते गोलीबारी की गई सी। वैनकूवर की आरसीएमपी ने दावा किया है कि पंजाबी संगीतकार एपी ढिल्लो दे विक्टोरिया खेत्र में स्थित घर से गोलीबारी तो बाद एक शक्की नूं गिरफ़्तार कर लिया गया है और दूजे का कैनेडा तो भारत भजन का खदशा है। एक गिरफ़्तारी बुधवार को ओंटारियो में की गई सी। जिन्हां दी इन्हां दी पछाण विनीपैग के अभजीत किंगरा और विक्रम शर्मा वजो हुई है। अभजीत से जाण बुझ के बंदूक और अगजनी करन दा दोष है। दूजा शक्की 23 साल विक्रम शर्मा घटना तो बाद भारत भज गया सी। शर्मा उक्त घटना च किंगरा दे नाल सी। घटना तो बाद वह भारत आया सी। जिक्रयोग है कि एपी ढिल्लो का घर वैनकूवर इलाके विच है। उन्होंने घर से गोलीबारी का वीडियो वायरल होया सी। वायरल वीडियो मुताबक एक शूटर ने गेट के बाहर 11 गोलियां चलाईया सन। उसने काले कपड़े पाए हुए सन। लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेवारी ली सी। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया से एक पोस्ट भी पाई सी। 9 अगस्त को बॉलीवुड स्टार सलमान खान नाल गायक एपी ढिल्लो का गीत ओल्ड मनी रिलीज़ होया सी। गोलीबारी नूं इस नाल जोड़ के देखा जा रहा है। घटना तो बाद भारतीय अते कैनेडियन एजेंसियां नूं अलर्ट कर दिता गया सी। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया से एक पोस्ट च लिखा कि सलमान खान नाल बड़ी फीलिंग लै रहा सी। नाल ही लिखा राम राम जी सारे भरावां नूं। 1 सितंबर की रात को कैनेडा विच 2 थावां ते फायरिंग हुई है। एक विक्टोरिया आईलैंड अते फूड ब्रिज टोरंटो विच। दोहां वारदातां की जिम्मेवारी मैं रोहित गोदारा लॉरेंस ग्रुप लैंदा हाँ।